दोस्तों 30 लाख यूजर्स ने छोड़ा जियो का साथ। जी हाँ दोस्तों, जियो को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। दोस्तों क्या है पूरी अपडेट बताएंगे आज के इस वीडियो में, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों रिपोर्ट्स की माने तो बढ़ती महंगाई की वजह से लोग डुअल सिम की जगह सिंगल सिम में शिफ्ट हो रहे हैं, साथ ही स्मार्टफोन की बजाय फीचर फोन चला रहे हैं और फीचर फोन से स्मार्टफोन में शिफ्ट होने की दर भी काफी स्लो हो गई है। आपको बता दें ऐसा अगले कुछ माह तक जारी रह सकता है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में टैरिफ में बढ़ोतरी में देरी हो सकती है। तो बता दे कि लंबे वक्त से रिचार्ज प्लान महंगे होने की खबरें आ रही है। हाल ही में एयरटेल की ओर से अपने सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान को भी बंद कर दिया गया है। हालांकि जियो के रिचार्ज प्लान में बढ़ोतरी की संभावना से इनकार किया जा रहा है। अगर नवंबर 2022 के आंकड़ों की बात करें तो जियो को सबसे ज्यादा 30 लाख एक्टिव यूजर्स का नुकसान हुआ है, जबकि दोस्तों एयरटेल के एक्टिव यूजर्स की संख्या में इसी दौरान 10 लाख का इजाफा हुआ है, जबकि दोस्तों इसी दौरान वोडाफोन आइडिया के एक्टिव यूजर्स की संख्या में 20 लाख की कमी दर्ज की गई है, जबकि नवंबर 2022 में कुल एक्टिव यूजर्स की संख्या में 45 लाख की कमी दर्ज की गई है।